ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में धांधली किए जाने की शिकायत अभ्यर्थियों ने सरगुजा कलेक्टर के जनदर्शन में की है। दरअसल सरगुजा जिले के महिला बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मंगवाया था, लेकिन इसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन जीने वालों की नियुक्ति की गई है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर परियोजना अधिकारी सरिता सिंह, सेक्टर सुपरवाइजर बिंदु सिंह और सुपरवाइजर लता टिक्कस पर भर्ती में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। सर, समस्या मेरा ये है कि अंबिकापुर ब्लॉक से बरढोड़ी केवटापारा के लिए कार्यकर्ता पद के लिए विज्ञापन निकला था, जिसमें मैं आवेदन डाली थी और आवेदन डालने पर मेरा अंतिम वरीयता सूची में फर्स्ट नाम था। मेरे को आदेश न देकर मेरे से नीचे वाली को आदेश दे दिए हैं। उनका नाम गीता करके है, गीता राजेंद्र करके। हाँ, तो मेरा वरीयता सूची में फर्स्ट था, उनका सेकंड था, तो मेरे को आदेशित न करके उनको कर दिया गया है। तो मेरा यही कहना है कि उचित उम्मीदवार को नियुक्ति दिया जाए आंगनबाड़ी। मेरे को लगता है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी था, जिसको बाद में घुसा के उसका वरीयता सूची में डाला गया है और कुछ पैसा लेके उसको नियुक्त किया गया है। मेरी वाइफ है, जो मेरी वाइफ का नाम है कल्पना यादव, जो बढ़ोड़ी सहायिका के लिए केवटा पारा के लिए निकला गया था, जो कि यहाँ परियोजना ग्रामीण महिला बाल विकास बहुत ही घबला हुआ है। मेरे वाइफ का परसेंट 88.6 था, जिसके अंतर्गत मेरी वाइफ का रिजल्ट से लेके सब में 0-0 कर दिया गया है। सरिता दास जिसका था 70%, उसको नियुक्ति कर दिया है, जिसके अंतर्गत उसको ज्वाइनिंग लेटर देके उसको परीक्षण के लिए बुला लिया गया है, जिसके कारण अपने मेरी वाइफ कल्पना यादव बहुत ही यहाँ से वहाँ पर हर परियोजना में जा रही है। कलेक्टर आज कलेक्टर सर से नियुक्ति में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी जनदर्शन में शिकायत प्राप्त हुआ है, मैं मूल दस्तावेज आहूत करूंगा और बारीकी से परीक्षण करूंगा, यदि उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध मैं नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। नहीं, जो शिकायत प्राप्त हुई है तो मूल दस्तावेज का परीक्षण करने के बाद ही मैं स्पष्ट बता पाऊंगा। अगर वास्तव में गलत हुआ है तो जो संबंधित है उनके विरुद्ध धर्मशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। पिछली बार भी पहले से प्रक्रियाधीन था और आंकड़े तो अलग अलग परियोजनाएं हैं, तो उसमें कोई स्पष्ट अभी जानकारी मुझे भी नहीं है, जैसे कितने पद पे नियुक्ति हो चुकी है। मैं जानकारी प्राप्त करके आपको अलग से अवगत करा दूँ। को लेके उसमें भर्ती को लेके कुछ अभ्यर्थी आए थे कि उनका नाम मेरिट सूची में पहले था और उनकी नियुक्ति नहीं हुई। डीपीओ महिला बाल विकास को और क्योंकि जनपद सीओ में नियुक्ता होते हैं, तो उनको निर्देशित किया गया है कि करीब 10 के करीब आवेदन आए थे, उनका एक बार उसकी जांच करा के और उसमें रिपोर्ट देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई। नहीं, अगर इसमें कहीं किसी भी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाएगी और ऐसा रहेगा कि मेरिट सूची में नाम को आगे पीछे किया गया है, तो गंभीर कार्रवाई। न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।